सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर भारतीय कौर्मी महासभा जनपद मिर्जापुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन किसान चौपाल व श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन चुनार तहसील क्षेत्र के रहिया गांव में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भारतीय कौर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हरीश चंद्र पटेल ने कहा, देश आजाद होने के बाद सरदार पटेल जी के सपनों का भारत नहीं बन पाया। आज भारतीय कुर्मी महासभा मिर्जापुर जिला इकाई द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह में हम लोगों ने ये संदेश देने का काम किया है कि भारतीय कुर्मी महासभा किसानों की हर परिस्थिति में मदद करने के लिए तैयार है, उनके सुख दुख में खड़ी रहेगी। किसानों के साथ कोई सरकार शोषण करेगी या तो कोई सामाजिक राजनीतिक संगठन शोषण करेगा तो उसके मदद के लिए भारतीय कुर्मी महासभा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। महासभा जनपद इकाई मिर्जापुर और मैं गौरव सिंह पटेल प्रदेश युवा अध्यक्ष भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने एक बार विचार किया कि हमको जमीन पे काम करना है, हमको हवाई काम नहीं करना है, क्योंकि हम सामाजिक संगठन है, समाज के हित में काम करना है तो हमें लोगों के द्वार जा के काम करना पड़ेगा। इस वजह से हम संगठन के माध्यम से और हम लोगों ने विचार किया कि हमको जमीनी स्तर पर काम करना है, इस संबंध में हम लोग आपस में विचार। देश के अन्नदाता के हित के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। दुर्भाग्य से किसान की बात तो हर दल करते हैं, लेकिन किसान हित की बात करने वाला कोई नहीं। आज देश के हर जागरूक लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि किसान मेहनत करता है, उसके मेहनत का मूल्य नहीं मिलता। हम सरकार से मांग करते हैं, जो किसान परिश्रम करता है उसका मूल्य मिलना चाहिए। कृषि क्षेत्र क्रीम क्षेत्र बने, जो युवा बेरोजगार है उसका रुझान कृषि की ओर बढ़े। और संचालन डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने किया। कार्यक्रम के सभी आयोजकों को मुख्य अतिथि ने बधाई दी इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर चुनार से अनेश कुमार की रिपोर्ट।